हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आज काफी दिन के बाद फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। जब लास्ट मैं संडे गई थी तभी मैंने व्लॉग शूट किया था, तो मैंने वो व्लॉग आपके साथ शेयर भी किया है। सो उसमें ना मेरे को फेशियल भी किया था, तो किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आप कैसे करती बताएगा, तो मैं वो जरूर बताऊंगी। तो वो मैं संडे संडे करती हूँ, तो जब संडे आएगा लाइक कल संडे है तो मैं तब करूँगी। एनीवेज आप बताओ आपका दिन कैसा रहा। आप कमेंट यार किया करो, खूब ढेर सारे किया करो, ठीक है। और अभी मॉर्निंग हो गई है, मैंने अपने रूम वूम तो सब ठीक कर लिया है। इमाम मोबाइल देख रहा है, थोड़ा सा अभी पढ़ेगा, मोबाइल देख के फिर उसको पढ़ेगा। और मैंने चाय पी लिया है, तो अभी मैंने अपना बेड वेड ठीक कर लिया। अब मुझे ना थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगाना है, उसके बाद पोछा लगाना है। पोछा लगा मैंने कल लगाया था पूरे घर में, वो भी 2 से 3 बार लगाया कम से कम, कहीं कहीं तो 3-3, 4-4 बार लगा दिया। जैसे कि अपने रूम में 3 बार लगाया, तो मेरे हिसाब से आज नहीं भी लगाऊंगी तो चल जाएगा ना, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम है। और पता है कल रात मैंने इतने ढेर सारे कपड़े धुले कि रात 12 बजे तक मैं कपड़े धुलते रहेगी। मैंने सोचा हम लोग ब्लॉग शेयर करूँ इस चीज़ का, लेकिन फिर रात 12 बजे थे और ऊपर ना छत पर वो रोशनी भी बड़ी कम थी। अच्छा पता है ना, आजकल मैं ब्लॉग पता है बहुत कम डाल रही हूँ, क्यों? क्योंकि आजकल तो मन नहीं करता ब्लॉग व्लॉग बनाने का। और दूसरी चीज़ यही, क्यों नहीं करता पता है, आजकल ना अजीब सी एंग्जाइटी होती है, तो उस एंग्जाइटी को दूर करने के लिए मैं अपना थोड़ा सा टाइम ड्रामा देखती हूँ। तो मैं देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा। सो जैसे कि मैं पहले देखती थी मेरे हमसफर, उसके बाद मैंने देखा मेरे पास तुम हो, फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है कोई सीरियल का तो नाम था जिसमें एक है कोई सीरियल, मुझे नाम नहीं आता था। और उसके बाद अभी मैं देख रही हूँ माई री। तो आप लोग, कोई लोग देखते हो पाकिस्तानी सीरियल्स? और हाँ मैं देखती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा रिकमेंड करना कौन सा अच्छा लगा। मेरे को मेरे हमसफर मेरे पास तुम हो बहुत अच्छा लगा, और जो तीसरा था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको कंप्लीट तक नहीं किया। यार जब अच्छा ही नहीं लग रहा तो पर से थोड़ा लंदी लंदी लग रहा था। मीरब वाला जिसमें जो लीड एक्ट्रेस का नाम मीरब है, तो वो चलो ठीक है, ये आप लोग मेरे को बताना। और मैं जा रही हूँ, अपने बाल वाल मैंने ठीक कर लिए हैं, बाल बड़े कम हो गए हैं यार, देख रहे हो कितने इतने से ही बचे हैं। अब भी तो इमाम बहुत छोटा है यार, थोड़ा बड़ा हो जाए। ओके, और मैंने ना अपना सुबह उठते साथ ही मैं स्किन केयर कर लेती हूँ इधर, काफी दिन से साथ तकरीबन 4-5 दिन से मैं अपना सुबह उठते साथ ही स्किन केयर कर लेती हूँ। तो मेरी स्किन काफी मॉइस्चराइज लगे हुई, लिप बाम भी लगा हुआ, क्योंकि मैं ना उठती हूँ लगा लेती हूँ, ठीक है। लिप बाम तो मैं रीअप्लाई करती लेती हूँ, चाय पिया है तो मैं रीअप्लाई कर लेती हूँ। मैं आजकल लगा रही हूँ खादी का लिप बाम, वाटर मेरा होना है, उन्हें सबको तो दिखाया होगा, मेरे को बहुत चलता है। बस इसमें बार बार फिंगर को डिप करना होता है ना, वो मुझे नहीं चलता, इसलिए मैं सिर्फ एक बार लेती हूँ और उतना ही लगा लेती हूँ, वो नहीं चलता। और जब दोबारा मुझे फिंगर को डिप करना तो मैं दूसरी वाली फिंगर डिप करती हूँ, थोड़ा अनहाइजीनिक लगता है इसलिए। एनी वेज, और उसके अलावा मैं अपने मॉइस्चराइजर में मिक्स करती हूँ ये वाइटमिन की कैप्सूल हमेशा, हर दिन, लाइक यस हर दिन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है हर दिन का। मतलब है मैं मॉर्निंग में नहीं लगाती, मैं नाइट में अपने मॉइस्चराइजर में जो भी मैं नाइट क्रीम लगाती हूँ मिक्स कर लेती हूँ, और अच्छे से यू मसाज देके अपनी स्किन को देन मैं सो जाती हूँ। और एक जो मेरी वाइटमिन की कैप्सूल है वो आराम से 3 दिन चल जाती है, मतलब 3 बार मैं इसको यूज कर लेती हूँ, इवन मैं हैंड्स पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, बिकॉज अब जाड़े आ रहे हैं और मेरे हैंड्स मुझे धोखा दे देंगे। वैसे हमेशा ही धोखा दे चुके हैं, क्योंकि अजीब सी स्किन हो जाती है, देखो कितना ढीला ढीला सा लग रहा है ये सब। तो मेरी जो स्किन में ना कसाव नहीं है, उससे मैं ज्यादा इधर मसाज कर रही हूँ, मे बी मसाज से थोड़ा सा अलग फर्क पड़े। चलो ठीक है, अभी अब मैं जाती हूँ, तो ठीक है। अच्छा अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा अपना काम करने के लिए, बाय। तो ये मेरी चाय और पराठा है पनीर का, यस बहुत टेस्टी है। बाय द वे मैंने इसको मंगाया था कल, और मैं कल पूरा खा ही नहीं पाई थी, देख लो तक खाया था, रह गया था, तो मैं चलो नाश्ते में इसको खा लेते हैं, इसको टिप करके खाते हैं, मतलब फुल देसी स्टाइल। अपना टैटू दिखाओ, टैटू कहाँ लगाया था अम्मा ने? ये देखो इतना गंदा हो गया है, ये टैटू था जिनको टॉफी में मिला था इमाम को, ये देखो सब गंदा हो गया। ओके, तो अभी मैंने खाना वाना खा के मैं अभी थोड़ा काम के लिए बैठी हूँ, अपनी मेल्स वगैरह चेक कर रही हूँ, कुछ पे आउट्स बनाने हैं और करने होते हैं, सब वो कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अभी कुछ एडिटिंग भी मुझे करनी है, लाइक कैसी एडिटिंग है वो माइक्रोसॉफ्ट पे मुझे करनी है, तो वो मैं करने बैठी हूँ।
एक लड़का मारता उसका नाम इमाम है। तुमने क्या किया? अरे मुझे दूध नहीं चाहिए। दूध नहीं चाहिए तुम्हें? हाँ। तो तुम मेरा मुंह क्यों बंद किया? ये तुम्हारा मुंह नहीं, ये मेरा मुंह है। ये तुम्हारा मुंह है। तो आज हम बना रहे हैं कस्टर्ड। तो मैंने सोचा कि ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने लिया है ये कस्टर्ड पाउडर जो कि है टॉप्स का, और इसमें से थोड़ा सा मैंने दूध लिया है नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला, और उसमें मिक्स कर दिया है ये पाउडर। इसका मैंने एक पेस्ट टाइप का बना लिया, इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि ये इसमें वो लम्स ना रहे। बाकी दूध मैंने यहाँ पर चढ़ा दिया आप देख सकते हो, और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा सा और दूध और कर, जब ये बॉयल होने लगेगा तब ये हम इसमें धीरे धीरे मिक्स करेंगे, तो चलाते जाएंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें शक्कर भी डालूंगी, क्योंकि इसको मिक्स करने से पहले मैं इसमें शक्कर डालूंगी। इनका सिस्टम जितने भी पास फ्रूट्स पड़े हैं लाइक एप्पल, बनाना, पॉमग्रेनेट, एनी फ्रूट्स चलेगा उसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर ये मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये है वो स्लरी तो बोलते हैं इसको ना, यस। और ये कस्टर्ड ये मैंने रमज़ान में बनाया था, उसके बाद से बना ही नहीं पाई, दो बार शायद रमज़ान में बनाया है, एक से दो बार उसमें नहीं बना पाई, पूरा भरा रखा है। एंड यहाँ पर ये देखिए ये उबलने लगा है दूध हमारा। तो अब मैं इसमें ये देखो शक्कर है, ये मैं शुगर वो मैं मिक्स करने जा रही हूँ। और अभी बिल्कुल सुबह का ही टाइम है, इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा गंदा आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी मैंने इसमें ज़्यादा काम नहीं किया है, बस सुबह का चाय नाश्ता हुआ है, और अभी मुझे इसमें खाना बनाना है मतलब दोपहर का, तो वो मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें हल्का हल्का डालेंगे इस तरीके से, और सॉरी कैमरा उधर हो गया, और इसको मिक्स करेंगे ठीक इस तरीके से, और बस ऐसे ही करेंगे। देखो ये वो गाढ़ा होने लगा, तो बस इसको ऐसे करते रहेंगे और ये गाढ़ा होता रहेगा। तो ये देखिए कस्टर्ड ऑलमोस्ट बनके रेडी होने वाला है। अब जब मैं इसमें थोड़ा सा ये देखो थोड़ी बहुत सिम पे जल रहा है, इसको हल्का हल्का मिक्स कर दे रहेंगे, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। और फिर इसके बाद आप तो यहाँ पर रेडी हो गया मेरा कस्टर्ड, काफ़ी थिक बन गया था, तो ये रेडी हो चुका है। अभी जुबेर लाए थे घी, देसी घी ख़त्म हो गया था, और इतनी मलाई हो नहीं पा रही कि बन जाए, तो हमने फिर बाहर से मंगाना सही समझा, तो मैंने ये डेयरी से मंगाया है, क्योंकि डेयरी पर तब भी ठीक ठाक मिल जाता है, पैकेट वाला मुझे सही नहीं लगता है। सो ये आधा किलो है और काफ़ी सही लगा, तो मैंने कहा चलो उसको खाली कर लेते हैं, इमाम के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो रोटी के साथ या चावल में या ऐसे करके दाल के साथ देते हैं उसको, तो उसको अच्छा लगता है, खा लेता है। या पराठे वराठे बनाते तो देसी घी के पराठे कभी कभी बना देते हैं उसको, तो वो खा लेता है, इसी बहाने उसके पेट में थोड़ा सा घी वगैरह चला जाता है, वरना आजकल के बच्चे घी खाते नहीं हैं। एज़ बिल्कुल इमाम वैसे ही है, सिर्फ मेरे को नहीं घी पसंद है, मुझे भी बिल्कुल घी नहीं पसंद है, तो ना दो तो नहीं खाता है और दे दो तो शौक से खा लेता है, ऐसा वाला मसला है उसका। तो ये है वो घी, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कस्टर्ड अपना ट्राई करके देखते हैं, तो काफी ठंडा हो गया, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा लग रहा है, जैसे आइसक्रीम खा रही हूँ। और अगर आपको मेरे पीछे कुछ दिख रहा है तो मैं जा रही हूँ, सोच रही थी मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिन से शूट नहीं किया और मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड होने के कगार पे होगा, आई नो, बट करना तो है ही है, चलो शूट कर लेते हैं। एवरीवन, तो ये मैंने भी थोड़ा सा अपना काम कर लिया है, एंड मेरे बाल थोड़े से कर लें, क्योंकि रात में मैंने ना अपना शूट किया था, तो उसके लिए कर लेते, अच्छे लग रहे हैं बाल, आप तारीफ कर लेते अपनी। एंड अभी मैं खा रही हूँ गुलाब जामुन, एक्चुअली बहुत टाइम से रखे हुए हैं, और थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया है माइक्रोवेव में, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ पे इमाम बिल्कुल उसी चक्कर में है, कैसे भी करके इनको ये गुलाब जामुन खाने को मिल जाए, ऑलरेडी वो थोड़ा बहुत खा चुका है, उसको मीठे के बहुत शौक है, उसको पूरा नहीं खाता है, मतलब एक टाइम पे जैसे आधा खा लिया या जरा सा एक बाइट ले ली,
ऐसे करके खाता है, तो उसे खा लिया इसने। और चलो अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मैंने अपना काम वैसे ऑलरेडी कर लिया है, मेरा झाड़ू हो गया, अभी मुझे सिर्फ उसे रोटी बनाना है। ठीक है, तो रोटी मैं बनाऊंगी जब इमाम के पापा घर आएंगे, अगर मतलब दोपहर में अक्सर आ जाते हैं, अक्सर लाइक बोल सकते हो आप 10 बार में 4 बार अक्सर आ जाते हैं वो। तो आज भी इनका आने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो चलो अब मैं आपसे मिल लूंगी थोड़ी देर के बाद। बाय। सो यहाँ पे मैं काम करने बैठी हूँ और इमाम की देखो चॉकलेट रखी है, इसके बारे में मैं बताऊंगी। जाओ दिखा दिए KFD1। सो अभी खाना वाना मेरा हो गया है, तो जस्ट बैठे थे, मैंने कहा चलो कुछ पूरा जाए, बिकॉज एडिटिंग भी करनी है मेरे को, मुझे वो भी करना है तो वो भी करूँगी। तो काफी ऐसा कुछ नहीं है, अरे यहाँ कोई ड्रिंक नहीं करता है, बट ये स्क्रैप से मैंने ली थी, वहाँ से मैंने ली थी और स्क्रैप मिली। उनको बोला था वैसे कि इस टाइप की कोई बॉटल मत लाना, और वो लाने वाले भी नहीं थे, बट यार वो आज जाती है तो कहने लगे क्या करते, मैं ले आया। सो फ्री की है तो मैंने ले ली। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से इसका कैप ओपन करके इसको अच्छे से धो लिया है, और अब हमने सोचा ना इसका हम कुछ DIY करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं रख सकती इसके अंदर कुछ भी डाल के, इनकेस मैं प्लांट्स वगैरह डाल के रखना चाहूँ, मनी प्लांट, क्योंकि हमारा जो मनी प्लांट है वो बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा उसके मतलब लत वगैरह निकल आई है, तो इस वजह से तो नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टाइप की बॉटल्स बना लूँ, उसमें रखूँ तो अच्छा लगेगा ना, बहुत तो प्यारी है वैसे बॉटल ये, जिसका कोई DIY हो तो बहुत अच्छी लगेगी सजने पे। तो इसको मैंने ऑलरेडी धुल लिया है, अब मुझे नहीं पता कि ये हराम है कि नहीं है, बट स्टिल मैंने कर लिया जो करना था। अब मैं इसको कलर करूंगी, तो मैंने यहाँ पर फेविक्रिल के जो एक्रिलिक कलर मंगवाए हुए थे, काफी टाइम से मेरे पास रखे हुए हैं, सो आई जस्ट थॉट टू यू नो कि मैं करूँ उसके साथ। और ये मेरे पास ये डॉम्स के कलर हैं, ये 2 का पैक था शायद, आई थिंक 20 रुपीज का मैंने लिया था, और ये वाला आई थिंक 220 और समथिंग के, इसके अंदर मुझे मोल्डेड क्ले वाला होता है ना, वो भी मुझे फ्री मिला था, फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक ब्रश मिला था, नहीं ब्रश नहीं मिला था इसके साथ, ब्रश मिला था। ठीक है, तो जी हाँ, अब चलो अब हम अपना फिलहाल काम करते हैं, देखते हैं कि मैं इसको कैसे कलर वगैरह कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ कलर करने के लिए नहीं है, तो देखते हैं जो भी मेरे पास घर पर सामान पड़ा होगा ना, मैं उसी से इसको कलर करूंगी। ठीक है, तो चलो। सो इस ब्लॉग का आपको नेक्स्ट पार्ट मिलेगा बहुत जल्दी देखने को, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे पार्ट के।